नमस्कार, बुरा भला चैनल देखने वाले सभी साथियों को। अभी हम बिहार के समस्तीपुर ज़िले में खड़े हैं और यहाँ पर ये सड़क जंदाहा होते हुए हाजीपुर की तरफ जाती है और इस सड़क पर आमतौर पर हम बिहार की छवि अगर देखें तो हम जानते हैं कि मटन, चंपारण मटन आजकल चूँकि ऑस्कर गई है उसके लिए फेमस है, लिट्टी चोखा, सत्तू, गमछा वगैरह वगैरह के लिए फेमस है, लेकिन ये ख़ास इलाका है, इसका नाम है पेड़ा चौक। तो हमें लगा कि इस पेड़ा चौक को आप तक पहुंचाना चाहिए कि ये इसका नाम पेड़ा चौक क्यों है। इसका नाम पेड़ा चौक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पेड़ा की लगभग 30-40 दुकानें हैं। आप देख रहे हैं माँ भवानी सर्विसिंग सेंटर के आगे कैलाश बिहारी पेड़ा भंडार, जय गुरुदेव पेड़ा भंडार, और फिर जहाँ तक नज़र जाती है आपकी वहाँ पेड़े ही पेड़े आपको मिलेंगे। पेड़े रखने का एक ही सलीका है, छोटे छोटे मर्तबानों में यहाँ पे पेड़े आपको रखे मिलेंगे और पेड़े बन भी रहे हैं साथ साथ, हर जगह कारीगर जो है पेड़े तैयार करते हुए, क्योंकि शाम को शायद जब बिक्री शुरू होगी तो यहाँ पर इन पेड़ों को ग्राहक लेते जाएंगे। और हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग हमें बुला रहे हैं और पेड़े भी खिला रहे हैं, और इस रिपोर्ट को बनाते हुए मैं लगभग एक पाव पेड़ा खा चुका हूँ। गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, रुकती हैं और पेड़े के ख़रीदार बहुत हैं। यही सड़क आगे जाकर जो राज्य रक्षा मंत्री हैं देश के, नित्यानंद राय जी, उनका घर भी इसी सड़क से आगे जाते हुए हाजीपुर के पहले पड़ता है। मगर इतने सारे पेड़ा की दुकानें एक साथ हमने बहुत कम देखी हैं। लगभग सारे नाम या तो झाजी के हैं, झाजी पेड़ा भंडार, माँ भवानी और शिव पेड़ा भंडार। हमने यहाँ पे लोगों से बात भी की, पेड़े के अलावा समोसा और बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन हर दुकान पर पेड़ा आपको ज़रूर मिल जाएगा जहाँ भी जाएंगे। और पेड़ा यहाँ बन भी रहा है, आप देखिए यहाँ पे सामने अगर हम दिखाएं तो ख़ास तरीके से शायद तैयार होता हुआ पेड़ा है। ये क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें क्या खास है यहाँ के पेड़े में, यहाँ का पेड़ा अलग क्यों है इतना सारा? शुद्ध दूध से तैयार होता है पेड़ा, बाकी जगह भी तो शुद्ध दूध से ही होता होगा, बाकी जगह पैसा नहीं है यहाँ का पेड़ा, इसलिए फेमस है, यहाँ से तैयार होता है। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं? अभी पेड़ा तैयारी हो रहा है। अच्छा, उतरेगा, उतर के फिर ठंडा आएगा, फिर पेड़ा बनेगा, पुराना दुकान है तो यहाँ यही का पेड़ा, आज का पेड़ा आज ही खत्म हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं? क्या नाम हुआ आपका? सुशील झा। यहाँ बहुत सारी दुकानें झाजी की है और कैलाश बिहारी की है, ऐसा क्यों? अच्छा, तो यहाँ दो तरह के दुकानें ज़्यादा हैं, झाजी बाबा पेड़ा भंडार खूब सारे हैं और एक दुकान है कैलाश बिहारी पेड़ा भंडार। अभी हमने झाजी पेड़ा भंडार से बात की, उन्होंने बताया कि बिल्कुल शुद्ध पेड़ा बनता है और आज ही के दिन पेड़ा ख़त्म हो जाता है। अब हम चलते हैं कैलाश बिहारी पेड़ा भंडार। यहाँ की 30-40 दुकानों में कम से कम 10 दुकानें जो हैं कैलाश बिहारी पेड़ा भंडार की है। एक साथी यहाँ पर काम कर रहे हैं, देखते हैं इनसे बातचीत, इनके पेड़े तैयार हो चुके हैं और ये देखिए बहुत खूबसूरत पेड़े हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ भी शायद पेड़ा तैयार हो रहा है। अभी हमने झाजी के दुकान पे देखा कि वहाँ पर पेड़े का एक अलग स्टेज था, यहाँ पर फिलहाल क्या हो रहा है? नमस्ते। नमस्ते, यहाँ पर दूध जल रहा है, इसकी खोआ तैयार करेंगे, इसमें चीनी फेटेंगे। आपका नाम बताएंगे? राजा कुमार ठाकुर मेरा नाम हुआ। अच्छा, ये कैलाश बिहारी पेड़ा भंडार कई सारे दिखे हमको? दो दुकान है जी। ये क्या सबसे पुरानी दुकान है? सबसे पुराना दुकान। अच्छा, मेरे बाबा जी पहले थे। आपके दादाजी? हाँ। क्या नाम था उनका? कैलाश बिहारी। अच्छा, उन्हीं के नाम पे ये जी। तो पहली दुकान मतलब उस समय सिर्फ एक दुकान हुआ करती होगी? हाँ, पुराना रोड है पीछे। अच्छा, पहले उस पार था दुकान। अच्छा, रोड बना है। अच्छा, रोड पर आए हैं। अच्छा, तो बाबू जी खोले हैं। बाबू जी का क्या नाम है? श्याम बाबू ठाकुर। उसके बाद हम खोले हैं, बाबू जी भी है।
ये कब की बात है, कौन से साल की बात है जब पहला पेड़ा दुकान खुला होगा? 1962 में खुला। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा चलाते रहिए। जी जी जी, 1962 में, यानी लगभग 61 साल हो गए इस पहली दुकान खुलते हुए। उसके पहले इसका नाम क्या था? पेड़ा जब नहीं रहा होगा तो इसका नाम क्या था? सरैया था। सिर्फ सरैया था जी। और आपकी दुकान, मतलब आपके दादाजी ने जब दुकान खोली तो फिर ये पेड़ा चौक हो गया। तो ये उनका आइडिया था क्या कि इसका नाम पेड़ा चौक रख देते हैं? नहीं, पेड़ा बढ़ते गया, दुकान बढ़ते गया, इसलिए पेड़ा चौक सब कहने लगा। तो पेड़ा तो बहुत जगह मिलता है, जैसे मथुरा के पेड़े भी हमने सुने हैं और भी बहुत सारे पेड़े हैं। आपके यहाँ इस पेड़ा चौक पे ऐसा क्या खास है इस पेड़े में? मशहूर है पेड़ा यहाँ का, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, विदेश। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया भी जाता है, विदेश भी जाता है जी, मतलब सऊदी अरब। तो थोड़ा बताइए कि किस विधि से ऐसा बनाते हैं आप लोग कि इतना फेमस है? दूध लाते हैं, जलाते हैं, कम चीनी दे के मात्रा अच्छा से तैयार करते हैं, दाम मारते हैं, अच्छा क्वालिटी बनाते हैं। अच्छा, और दाम भी मतलब 400 रुपया किलो है, 20 रुपया पीस है। पीस खाइएगा तो 20 रुपया, छोटा वाला 10 रुपया। अच्छा, देखें जरा छोटे बड़ा पेड़ा, ये कौन सा? ये बड़ा पेड़ा, ये है 20 रुपये पीस, 50 ग्राम का एक पीस है। अच्छा, एक पीस बड़ा वाला 50 ग्राम का है और छोटा वाला पीस खत्म हो गया है? छोटा वाला खत्म हो गया। ये सबसे मशहूर दुकान बता रहे हैं और सबसे पुरानी भी, और इनके पेड़े देखिए अभी दिन का समय है और इनका पेड़ा ख़त्म हो चुका है, इसीलिए वो दूसरा फिर से एक अगली खेप तैयार कर रहे हैं पेड़ों की। और खूब सारे डब्बे इनके देख ही रहे हैं आपकी, लगातार खपत होती रही है पेड़ों की। कुर्सियाँ भी लगी हैं जहाँ पर ग्राहक शायद अब आएंगे। यहाँ दिन भर में कितना पेड़ा लगभग खपत हो जाता है? 1.5 क्विंटल हो जाता है। 1.5-2 क्विंटल, ये पूरा पेड़ा चौक की बात कर रहे हैं जी, जी। और आपके दुकान की सेल अगर कुछ बताना चाहें तो कितना है लगभग? 10 किलो 15 किलो। 10 किलो 15 किलो हर दिन आने जाने वाली गाड़ियाँ रुकती हैं और पेड़ा खाते चलती हैं। कम से कम लेते चलती हैं। हाँ, अभी देखा हमने कि इनका इस बर्तन को हम बोयाम कहते हैं और यहाँ पे ये खास तरह का ये मिक्सर आप देख रहे हैं, और इसके साथ ही पेड़े के डब्बे आप देख रहे हैं बड़े बड़े। कोई भी डब्बा मुझे आधा किलो या 1 किलो से कम नहीं दिख रहा। आधा किलो 1 किलो का डब्बा जी। तो ये अभी पेड़ा तैयार होगा और इनका दावा है कि राजा जी ना जी। राजा ठाकुर का दावा है कि ये पेड़े अगले 2-3 घंटे में जी। सारे ख़त्म हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी। शुक्रिया जी। और ऐसे ही यहाँ पे खूब सारी दुकानें हैं पेड़ों की, देखते हैं यहाँ पर पेड़े का प्रचार का कोई तरीका भी दिख रहा है। और इनके पास बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं। अमित कुमार झा, पेड़ा भंडार, खूब सारे पेड़ जी आ गए। बताइए ना, कैसा है पेड़ा आपका? पेड़ा आप टेस्ट करके देखिए पेड़ा। अच्छा, बहुत सारे पेड़, सबसे ज्यादा पेड़ा आपकी दुकान पे दिख रहा है। देसी पेड़ा देखिएगा तो देसी पूंजी भी हमारे यहाँ देखिएगा। अच्छा, देखिए टेस्ट कीजिए और खाइए। अच्छा, आके देखिए। अच्छा अच्छा, टेस्ट कर लेंगे। अपना नाम तो बताइए पहले। मेरा नाम सीताराम झा है। सीताराम झा जी, आप यहीं के निवासी, मूल निवासी हैं? मैं मूल निवासी यहीं का हूँ, जमीन मेरा है, दुकान मेरा है। अच्छा, अभी आप बहुत सुंदर तरीके से आवाज लगा रहे थे पेड़े के लिए। हाँ, कैसे लगा रहे थे जरा बताएंगे जरा? 1 किलो पेड़ा पर 1 चाय फ्री है। अच्छा, और शुगर फ्री बता रहे थे? शुगर फ्री भी है। अच्छा, आप टेस्ट करके देखिए, आपको दिए ना। अच्छा, मुझे अभी झा जी ने एक पेड़ा खाने को दिया है। बहुत ही गर्म है और बहुत ही ताज़ा पेड़ा लग रहा है खाने के बाद ही, बिल्कुल असली दूध का, मतलब दूध में कोई मिलावट नहीं लग रही यहाँ पे। केवल चीनी मिलावट है। क्या बात है, उसमें भी कंसेशन में चीनी कम मात्रा में। अच्छा, दिन भर में कितना बिक्री हो जाता है झा जी यहाँ पे पेड़ की? यहाँ पर जी, यहाँ पर मैं तो करीब करीब 2500 क्विंटल दूध का खपत होता है। पूरे चौक की बात कर रहे हैं आप? पूरे चौक की बात कर रहे हैं। अच्छा, और बाहर भी जाता है? बाहर भी यहाँ से यहाँ से लेके अमेरिका, रूस, जापान सब तक जाता है। अच्छा, झा जी बता रहे हैं कि अमेरिका, रूस, जापान, पुरानी दुकान है ये, इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, अमित कुमार झा, पेड़ा भंडार। वो मेरा वर्कर का नंबर। हाँ,
तो अगर आपको आप अमेरिका में रहते हो या कहीं और रहते हो तो भी आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से ये पेड़े खा सकते हैं। हमारे जाते ही झाजी फिर से अपनी एक ख़ास तरह की आवाज़ में ग्राहकों को बुलाने लगे हैं और बहुत ही दरिया दिली दिखाते हुए उन्होंने हमें एक पेड़ा भी खिलाया। तो अब आपको फेस्टिवल के सीज़न में जब भी इधर जाना हो और आपका मन बन रहा हो कि कुछ शुद्ध खाया जाए, ताज़ा खाया जाए, तो आप सरैया के पास इस पेड़ा चौक पर ज़रूर आइएगा। अभी दिन का समय है, थोड़ा सा जब समय चढ़ेगा यानी पीक आवर्स जब आएंगे इस इलाके के, तब ये सारे पेड़े जो है वो फटाफट डिलीवर होंगे और यात्री पैकेट्स में ले जाएंगे। यहाँ भी पेड़ा तैयार हो रहा है, ज़रा देखें। नमस्कार, अपना नाम बताएंगे? अच्छा, मुंह में अभी फ़िलहाल अभी मसाला है। बिहार की खास बात है कि आप अपना समय व्यतीत करते हैं तो मुंह में कुछ ना कुछ रखे रहते हैं। जी अपना नाम बताइएगा। आनंद नाम है आपका? मेरा नाम निखिल आनंदगिरी है। और ये क्या कर रहे हैं फिलहाल? तैयार कर रहे हैं। कितना हो चुका है अभी, कितना परसेंट काम बाकी है? अच्छा है, एक ही सारे साइज एक जैसे मतलब करने का? कब से कर रहे हैं आप ये काम? छः साल में। ये करते करते आता है ये हुनर की एक साथ कैसे सब एक ही साइज का कैसे होता है? यहाँ पर एक 50 ग्राम का गोली। ये देखिए चांद के आकार का पेड़ा मेरे पास, और लगभग सारे जितने पेड़े हैं अगर मैं मिलाऊँ तो सब उसी आकार के पेड़े हैं और टेस्ट में भी सब एक से बढ़कर एक है ना। टेस्ट में वही होता है, सबका पेड़ा एक ही है, खाली चीनी का मात्रा कम बेसी का है। अच्छा, यहाँ सबसे ज़्यादा समय कौन सा होता है जिसमें लोग ज़्यादा आते हैं जिस वक्त यहाँ पे लेने वाला? अभी थोड़ी शांति दिख रही है। हाँ अभी शांति है। रक्षाबंधन में सबसे ज़्यादा या फिर हो गया आपको छठ पावन? छठ में बिल्कुल पेड़ा चौक हाउसफुल। हाँ, छठ पूजा के एक दिन बाद। अच्छा चलिए। और ये कांवड़ सावन की जो यात्रा होती है कांवड़ के समय? अच्छा, तो हमें बहुत ज़रूरी सूचना इन्होंने बताई कि यहाँ पर सावन के आसपास, छठ के आसपास, जो कि बिहार का लगभग राष्ट्रीय पर्व है, खूब सारी बिक्री होती है। ये देखिए ऊपर एक बोर्ड लगा है माँ भवानी सर्विसिंग सेंटर और नीचे माँ भवानी पेड़ा भंडार भी है, यानी कि एडेड सर्विस है। आप गाड़ियों की सर्विसिंग भी कराएंगे तो भी आपको इनके यहाँ से पेड़ा लेके ज़रूर जाना होगा। क्या सर, गाड़ी की सर्विसिंग भी और पेड़ा भी साथ साथ? ये बड़ा बड़ा नया दिलचस्प तरीका है। पहले कौन सा खुला दुकान, पहले सर्विसिंग है? पहले 3 साल पहले वो खोले। अच्छा, उसके बाद जो है। क्या नाम क्या हुआ आपका? सुबोध कुमार। अच्छा, तो पहले आपने गाड़ी की दुकान खोली जी। वो कम चलती होगी तो आपने सोचा कि पेड़ा की दुकान भी साथ खोल लेते हैं। इसीलिए दोनों खोल लिए। क्या बात है, ये बड़ा नया बिजनेस मॉडल है ये कि आप पेड़ा चौक पे अगर आप गाड़ियों की दुकान भी खोलें या कुछ और दुकान भी खोलना चाहते हैं। आपने रिस्क, आपकी इकलौती दुकान दिख रही है जो पेड़े के अलावा कोई दुकान है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो इतना बड़ा रे मेरा और ये वो पुल का उस पार जो है गैरेज है जी, उसके बाद जो है वो पुराना दुकान है, उसके बाद यहाँ जो है 3 साल खुला हुआ। तो ये खोलने के बाद आपका बिक्री बढ़ गई होगी? अब दोनों मिला जुला के चलता है। क्या बात है, तो बहुत ही ये नया बिजनेस मॉडल दिखा इनका कि गाड़ी की दुकान यहाँ पे खुली और उसके ठीक बाद दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए उन्होंने, सुबोध जी ने, माँ भवानी पेड़ा भंडार भी शुरू कर दिया। गुरुदेव पेड़ा भंडार में हमको अंदर लेकर आए हैं। आपका नाम क्या था? मुन्ना झा जी अंदर लेकर आए हैं और इनका पूरा ये पेड़े का गोदाम है जहाँ पर बहुत खूबसूरत ये देखिए रॉ मटेरियल तैयार हो गया है और अब बिल्कुल खालिस दूध में खोआ जल रहा है, तैयार हो रहा है। कारीगर हैं आप, कितने साल से यहाँ काम कर रहे हैं? कब से काम कर रहे हैं आप? दो साल से काम कर रहे हैं। नया एक प्रसाद हुआ है यहाँ का नाम। हाँ बिल्कुल, देखिए जहाँ भी जा रहे हैं आपको पेड़े का ये साथ में आपको सबसे नंबर वन होगा, नंबर वन जाजी बता रहे हैं। और खूब सारे पैकेट्स हैं पेड़े के, जहाँ पर कोई भी पैकेट जो है मुझे 1-2 किलो से कम का नजर नहीं आ रहा है। और गाड़ियाँ इनके यहाँ रुकी हैं और ये देखिए एक और अभी के अभी
सर खूब सारा पेड़ा खरीद ले जा रहे हैं, पेड़ा बहुत सारा पैक करा के ले जा रहे हैं ना। 1.5 किलो? 1.5 किलो, अच्छा हाँ 1.5 किलो ठीक है एक बार में। अच्छा आप कहाँ से आए हैं? सहरसा। सहरसा से, तो यहाँ पता है कि पेड़ा चौक है तो यहाँ लेके जाना है ऐसा है? ड्राइवर साहब आते रहते हैं। ड्राइवर साहब बोले 40 साल पुराना दुकान है, जय गुरुदेव पेड़ा भंडार चौक का सबसे पहला दुकान, मुन्ना झा मेरा नाम हुआ। अरे वाह, आगे बड़ाई नहीं करेंगे, शुद्ध 16 आना होता है 15 आना में। अच्छा शुद्ध 16 आना होता है 15 आना, मैं जो मेरा जो क्वालिटी है सब नंबर 1। हाँ इसीलिए दुकान पे आपकी भीड़ दिख रही है। नहीं पैसा ले लीजिए, इस चौक का सबसे नाम मैंने ब्रांडेड। तो मैं फिर से बता दूं कि समस्तीपुर से जंदाहा से होते हुए अगर आपको हाजीपुर या पटना की तरफ जाना हो तो ये सड़क है जिसे पेड़ा चौक कहते हैं, सरैया के पास। पेड़ा चौक मैंने बहुत कम देखा सुना है इस नाम को, यहाँ पर आया तो मुझे उत्सुकता हुई और मैंने सोचा कि हमारे दर्शकों को भी हक है कि कम से कम पेड़ा में सही पेड़े की मिठास हमारे फुटेज से ले ही सकते हैं। तो फिलहाल बुरा भला चैनल के लिए इतना ही, निखिल आनंदगिरी बुरा भला के लिए।